नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूँ राहुल। यूपी उन्नाव से जुड़ी गुनाह की तमाम खबरें लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। आज की हमारी जो खबर है वो बहुत बेहद अहम है। उन्नाव में चोर लुटेरे इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि वो अब अंधेरा होने का भी इंतजार नहीं करते। यानी जहाँ पहले चोर लुटेरे इस बात का इंतजार करते थे कि लोग गहरी नींद में चले जाएं, ज्यादा अंधेरा हो जाए, सड़कें सुनसान हो जाए, तब वो अपनी वारदात को अंजाम दे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि चोर लुटेरों को ये भी मतलब इस कदर वो बेखौफ है कि उनको शाम होने तक का सब्र नहीं रहता। और शाम होते ही मतलब रात होने के बाद छोड़ो, शाम होते यानी 7 से 8 बजे के बाद ही वो अब लूट की वारदातों को अंजाम देने लगे। उन्नाव के बांगरमऊ में ही शुक्रवार शाम को 7 बदमाश एक घर में लूट के इरादे से घुस गए। उन्होंने तमंचे के बल पर घर में मौजूद एक युवक को पहले बंधक बनाया और इसके बाद घर में मौजूद महिला के सिर पर तमंचा ताना, उससे पूछा सारे गहने जेवर पूछे कहाँ रखे और सब लूट कर बड़ी आसानी से फरार हो गए। इस दौरान जो हुआ, इसके बाद जो हुआ वो अब जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, जब उनको ये सब पता चलेगा शायद अब उनकी नींदें उड़ जाएंगी। 7 बदमाश फरार हो गए इस बार लेकिन जो गांव के लोग थे, इलाके के लोग थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने भागते हुए बदमाशों का पीछा किया और 7 में से 2 बदमाशों को दबोच लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, लूट की जानकारी पुलिस को हुई और जैसे ही पुलिस पहुंची तो बदमाशों, जो पकड़े गए बदमाश हैं, गांव वालों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बदमाशों से पूछताछ की और पूछा, भाई कहाँ लूटपाट का माल रखा? बदमाशों ने भी पुलिस को बताया कि हाँ, गांव में कहाँ खेत में उन्होंने लूट का माल जो है छिपाया हुआ है। इसके बाद अगली सुबह यानी शनिवार की सुबह आज दोनों बदमाशों को पकड़कर पुलिस लूट का सामान बरामद करने के लिए उनके साथ गई। जैसे ही बदमाशों से पूछा गया कहाँ रखा, एक जो एक खेत के इलाके में गए और वहां से वो कि हम लूट का सामान निकाल के आपको दे रहे हैं, जैसे ही देने लगे तो इस दौरान बताते हैं कि बदमाशों ने वहां पर हथियार छुपा रखे थे और पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की। जब पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस पर कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की और दोनों बदमाशों के पैरों में पुलिस ने एक एक गोली ठोक दी। अब ये गोली का दर्द हमेशा बदमाश याद रखेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे और एक तरीके से ये गोली अब इन बदमाशों की जिंदगी भर की निशानी हो गई कि ये लुटेरे हैं। ये दो लुटेरे हैं जिन्होंने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। वहीं जिले के नए एसपी दीपक भूकर ने ये साफ कहा है कि जो बाकी बचे लुटेरे हैं उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लुटेरों का इलाज चल रहा है और बाकी 5ों की तलाश जारी है। अच्छा, एक बात इसमें ये सामने आ रहा है, कुछ लोग का कहना है कि 4 लुटेरे थे, वहीं जिनके घर लूट हुई उनका कहना था 7 लुटेरे। चलिए तफसील से हम आपको पूरी खबर बताएं। उससे पहले जो पीड़ित जिनके घर में शुक्रवार की शाम को लूट की वारदात की गई उन्होंने क्या कहा वो बताएं, फिर आपको तफसील से पूरी खबर हम बताते हैं। और ये जो पुलिस ने, उन्नाव पुलिस ने पहली बार कह दे, उन्नाव में बड़े दिनों बाद इस तरह की वारदात हुई है कि लुटेरों को पुलिस ने सही सबक सही निशानी दी है कि ऐसे ही जिस तरह से लूट की वारदातें, चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, अब पुलिस को इसी तरह का रवैया अपनाना ही पड़ेगा। पहले हम पीड़ित की बाइक सुनाते हैं कि उन्होंने बताया कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, फिर हम तफसील से आपको सारी जानकारी देते हैं। 6-7-8 बजा होगा लगभग समय, तो देखा हम बैठ गए, थोड़ी देर बाद अचानक में वो बांध के आ गए। कितने लोग? अरे 7 लोग थे, 6-7 लोग। अच्छा। हाँ, तो बांध गए तो यहाँ हमको यहाँ अंदर का सीट लाए, फिर यहाँ हाथ पैर हमको बांध दिया, यहाँ डाल दिया, तमंचा लगा दिया। फिर क्या किया? फिर यहाँ तोड़ फोड़ करने लगे, सब सामान सट्टा ढूंढने लगे। फिर सामान सट्टा, फिर वहाँ से कोई बाहर से निकला तो यहाँ से हंगामा करी, भागो जल्दी भागो, यहाँ बाहर कोई आ रहा है। तो जल्दी साड़ भाग गए, सब पूरे यहाँ से भागे, बाहर से सटकनी लगा गए तो पीछे से दौड़ के गए लाठी लेके देखने के लिए, तो उधर से भाग खड़े हुए। अच्छा, फिर चिल्लाने आप? हम चिल्लाने, हाँ। फिर गांव वाले दौड़े होंगे? हाँ, आगे दुकान वाले। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर पकड़े कैसे? सुना आपने, अब आपको तफसील से पूरी खबर सुनाते हैं। जिन महिला के घर में लूट हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो जो जानकारी मिल रही है, लखनऊ मार्ग चौराहा स्थित ये बांगरमऊ की घटना है। यहाँ के मोहल्ला नौनिहालगंज के रहने वाले गोपी कृष्ण गुप्ता का बेटा प्रियांशु गुप्ता
हाल में ही पंचुपुरवा गांव में एक नया मकान बनाकर रह रहा था। इसके साथ ही उसने अपने घर जो मकान है वहां पर जो दुकानें बनी उसमें व्यापार अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। प्रियांशु दो दिन पहले मथुरा वृंदावन की यात्रा पर गया हुआ है। दो दिन पहले वो यात्रा पर गया हुआ था और अभी आया नहीं। जबकि घर में उसकी पत्नी पूनम गुप्ता थे और जब लूट की घटना हुई उस दौरान जो पड़ोस में रहने वाले हैं, जो कि प्रियांशु पड़ोस में रहने वाले सूरज को ये बोल गए थे यार घर का ध्यान रखना, अमूमन लोग इस तरह के बोलते हैं, तो सूरज भी उस दौरान जब ये लूट की वारदात हुई तो मौजूद था। सूरज ने बताया कि शाम करीब 7 से 8 बज रहे होंगे, इसी दौरान बाइक से 7 लोग उसके घर के बाहर पहुंचे। वो घर के पास ही बैठा ही था तभी आए और सीधे ही उसे पकड़ते हुए लोग 7 लोग घर के अंदर लेके चले गए। यहाँ पर तमंचा इसके कनपटी पे तान दिया, जो पूनम गुप्ता जी उनके तमंचा तान दिया, सूरज के हाथ पैर बांध के उसको डाल दिया गया और पूनम गुप्ता से सीधे सीधे ये पूछा गया कि जो भी कीमती सामान है गहना कैश कहाँ रखा है बताओ। पूनम जी ने भाई क्या करे, जब सर पर कनपटी पे तमंचा तना है क्या है, उन्होंने सब कुछ बताया। बदमाशों ने उनके घर में सारा सामान जो था करीब करीब बताते हैं 10 से 15 लाख के गहने और 2 लाख रुपया कैश था वो लूट ले गए। और तारी लूट करने के बाद फरार हो गए। जाते हुए बदमाशों ने घर के बाहर जो मुख्य गेट से बाहर की कुंडी लगा दी ताकि जब तक ये बाहर निकले चिल्लाए तब तक हम भागने में कामयाब हो जाए। इस दौरान जैसे ही बदमाश भागे जो पूनम गुप्ता थी वो चीखने चिल्लाने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुन के आस पड़ोस के लोग जिन्होंने काफी हिम्मत दिखाई वो तुरंत ही घर पहुंचे। उन्होंने देखा बाहर से कुंडी बंद है, अंदर लोग चिल्ला रहे, कुंडी खोलकर अंदर पहुंचे। पूनम ने तुरंत बताया कि भैया हमारे यहाँ चोर आए थे और ये सारा सामान लूट के ले गए। तुरंत ही गाँव के कुछ युवक जो थे बहादुर युवक थे उन्होंने जो भागे बदमाश थे उनका पीछा किया और करीब गाँव से 500 मीटर दूर जाकर 2 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर दी। बाकी 5 लोग बताते हैं अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। अब वहीं इस दौरान सूरज के हाथ पैर खोले गए। सूरज ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। बांगरमऊ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस पहुंची, पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान गांव वालों ने पकड़े गए दोनों बदमाश। एक बदमाश था बांगरमऊ का, बांगरमऊ के न्यू कटरा का रहने वाला अंशु गुप्ता। उसके अलावा उनका दूसरा साथी था अभिषेक, ये भी बांगरमऊ के ही मोहल्ले का बांगरमऊ के पन्ना टोला का रहने वाला था, इसका नाम था अभिषेक। यानी दोनों ही बांगरमऊ के रहने वाले थे और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है जो और भी साथी हैं इसके वो भी बांगरमऊ के रहने वाले थे। उन्हें पता था कि प्रियांशु गुप्ता घर पे मौजूद नहीं है, इस समय चोरी करने में आसानी होगी और आसानी से वो बड़ा मोटा माल पे हाथ मार सकते हैं। तो उन्होंने चोरी को अंशु गुप्ता जो प्रियांशु गुप्ता है उनके घर को निशाना बनाया। पुलिस ने इन दोनों चोर अभिषेक और अंशु गुप्ता को पकड़ा, इनसे पूछताछ की, इनसे पूछा गया कि लूट का माल कहाँ रखा है। इन्होंने पुलिस को बताया कि फड़ा जगह रखा है। और जिसके बाद अगले दिन शनिवार सुबह पुलिस लूट का माल बरामद करने के लिए इन बदमाशों की बताई गई जगहों पर छापेमारी करने पहुंच गई। यहां पर गांव एक जंगल सा एरिया कहें खेत के पास था। यहां पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने दोनों से पूछा कहां माल रखा है। दोनों माल निकालने के बहाने जैसे ही गए और वहां पर उन्होंने बताते हैं कि हथियार रखा था। इस दौरान भागने की कोशिश में दोनों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। जब पुलिस पर फायरिंग हुई तो जवाब में पुलिस कर्मियों ने भी दोनों पर फायरिंग की और दोनों के पैर में गोली लग गई। फिलहाल दोनों घायल हैं और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दोनों का इलाज चल रहा है। ये दोनों तस्वीरें आप तस्वीर में जो दिख रहे हैं यही हैं, पहचान लो। आपके अक्सर मोहल्ले के आसपास ये सीधे साधे वर्ग के लड़के घूमते हैं और ये रेकी करते हैं कि घर किस घर को निशाना बनाया जाता है। इसके बाद अपने साथियों को सतर्क करते हैं और ये साथी आते हैं और फिर आपके घर का जो गाढ़ी मेहनत की कमाई है उसे लूट कर ये फरार हो जाते हैं। तो दो बदमाशों के पैर में गोली ठोक दी गई है। अब इनके ये जो टीस है इस गोली का ये हमेशा बना रहेगा और ये निशानी बनी रहेगी कि ये लूट में शामिल है, ताकि अब उस क्षेत्र में जब भी कभी कोई लूट की वारदात होगी इनको पहले टारगेट किया जाएगा कि हाँ हो सकता हो ये शामिल हो, क्या ये इनको पता होगा कि कौन है। तो हम तो कह रहे हैं भले ही मुठभेड़ में हुआ लेकिन आजकल जिस तरह से लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही, पूर्वा में अभी एक बेचारे घर को निशाना बनाया, 20 से 25 लाख के गहने निशाने लगे,
चोरी कर ले गए। सफीपुर में चोरी, हसनगंज में चोरी, उन्नाव में चोरी। उन्नाव की 6 विधानसभा में लगातार चोरी घटनाएं इस कदर बढ़ती जा रही कि ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जिस दिन कोई ना कोई किसी न किसी शख्स को चोर बदमाश अपना निशाना न बना रहे। झपटमार, बाइक सवार लुटेरे, क्या आप बाइक से बैंक से पैसा लेके जा रहे हैं, पीछे से आते हैं और आपको तमंचा तानते हैं और आपसे रुपए लेकर भाग जा रहे हैं। तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों के हौसलों को तोड़ने के लिए अब इसी तरह की सख्त कार्रवाई करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। वहीं इस मामले में बताते हैं कि जो जिले के नए एसपी दीपक भूकर ने बांगरमऊ थाना जो इंस्पेक्टर थे राजकुमार सरोज पर लापरवाही बरतने के आरोप में उन्हें सस्पेंड कर दिया है और उनका कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी और जो बाकी हैं, ये तो दो पकड़े गए, जो इनके साथी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दीपक भूकर ने, एसपी दीपक भूकर ने क्या कहा, हम आपको सुना दें। देखिए, जो बांगरमऊ थाना क्षेत्र में ये जो घटना हुई थी और महिला के साथ जो घर में बदमाश घुस गए थे, उसी के क्रम में जो थाना बांगरमऊ पे अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में, दो व्यक्तियों को इसमें उसी टाइम पे पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसका एक का नाम अभिषेक पाल और अंशु पाल। अभी पुलिस टीम उन दोनों को लेके जो उनकी निशानदेही पे जो लूटी हुई उसमें जो कैश था उसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी, तो जहां पे वो बरामदगी के लिए पुलिस टीम उनको यहां पे लेके आई, पुलिस पे हमला करके वो भागने की का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में वो दोनों अंशुपाल और अभियुक्त अभिषेक पाल दोनों लोग घायल हुए हैं और उनको उपचार हेतु अब हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो टीम्स हैं वो गठित कर दी गई हैं, शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी जो सुसंगत कार्रवाई है वो पुलिस इसमें सुनिश्चित करेगी। सर, इससे पहले चौकी से मात्र 20 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की थी। देखिए, जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ अभी पुलिस ने कार्रवाई सुनिश्चित की है और जो बाकी हैं उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उस पर लगातार पुलिस ऐसी ही कार्रवाई करती रहेगी। पुलिस ने इन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया है। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही, दो चीजें, लूट का माल कहां रखते थे, साथ ही इनके साथी कौन है और इन्हें जो निशानी पुलिस ने दी है वो तो अब इनके साथ हमेशा बनी रहेगी। लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि हाँ, सही सबक सिखाया गया है और अब इसी तरह के कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह से लूट, चोरी, झपटमारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से इनके हौसले, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उनके हौसलों को तोड़ने के लिए यही बहुत ज़रूरी है कि सख्त से सख्त कदम उठाएं। अब जो बाकी बचे अपराधी हैं उनको ये समझ में आ रहा होगा कि बड़े शहरों में जिस तरह से नोएडा में और लखनऊ में आए दिन, कानपुर में आए दिन लुटेरे बदमाशों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में पैरों में गोली लगती है, कहीं और गोली लगती है, तो उनको समझ में आ रहा होगा, अगर ये खबर देख रहे होंगे तो चुपचाप सलामती यही है कि सरेंडर कर दो पुलिस के सामने और जो लूटा हुआ माल है, जिनके गाड़ी मेहनत कमाई पर आपने डाका डाला है, उन्हें वापस कर दो, नहीं तो आज ये दोनों लेटे हैं, कल आप भी लेटे रहोगे। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें से हम आपके जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।